बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक। टॉपिक हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कि हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि संविधान भी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और पॉलिटी भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी होता क्या? भारत में आज़ादी के बाद भारत के लोगों के द्वारा ये डिमांड थी कि हमारा अपना रूल हो, हमारा अपना पैटर्न ऑफ रूल हमारे देश पर लागू हो, और उसके लिए चाहिए था हमारे पास एक ड्राफ्टेड थ्योरी, जिसको हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में जो ड्राफ्टेड थ्योरी है रूल का, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको संविधान कहा जाता है। लेकिन संविधान ने अपना काम कर दिया 1950 में, लिखकर पूरा कर दिया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया। दिमाग में ये क्वेश्चन होगा तो उसको भी क्लियर कर देते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बन गया था। तो इसलिए अभी दिमाग में कुछ लोगों के क्वेश्चन आ गए, मेरे पास इनपुट आ गया, इसलिए मैंने बोला दिमाग नहीं लगाना इसमें। यानी कि 1950 में बन गया संविधान या लागू हुआ संविधान, आज के दिन में फिर कैसे वैलिड हो? जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि आज भी उस संविधान के ऊपर हम कुछ रिसर्च कर सकें या कुछ ऐसे फॉर्मेट पे काम कर सकें जो कि हमें वर्सेटाइल बनाता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है हर एक जगह पर अपने आप को फिट कर ले। ये उसी तरह से बात है कि नए आज़ाद हुए देश में जो संविधान लागू हुआ था, ये एक ऐसा संविधान था जिसमें लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं, उसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद के समय ऐसी ज़रूरतें हो सकती हैं जो कि बाद में चेंज हो जाए। जैसे कि हम एक शर्ट बनाते हैं आपके एज में, जब बच्चे थे आप इसमें, तो उस शर्ट में कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा एकाएक, तो उसको हम अनफोल्ड करके जो है दोबारा इसको बना सकते हैं। जनरली ये पैंट्स में होते हैं, है ना, जो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं पता होगा। तो संविधान ने भी अपने आप को वर्सेटाइल और हर समय यूज़फुल बना के रखने के लिए कहा कि हमें काम करना है, किताब से रूल नहीं होगा, हमें इस किताब को जो रूल करने वाले लोग हैं, यानी किताब के ऊपर जो रूल बॉडी रूलिंग बॉडीज़ हैं, उनके पास ये अधिकार देना होगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ काम करते रहे। और उसको हमने कहा पॉलिटी, जिसको हम कहते हैं राज व्यवस्था। संविधान और राज व्यवस्था, राज व्यवस्था वो लोग होते हैं, ये वो भाग होते हैं जो संविधान में लिखे हुए पद होते हैं, संवैधानिक पद, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री, राज्यों के गवर्नर्स, प्रधानमंत्री, और अलग अलग हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती है जो कि भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट कराने में सहायता करती है। तो हमारे देश में संविधान एक लिखित किताब है, और उस संविधान को लागू कराना और संविधान में कुछ चेंजेस करना, ये हमारे देश में पॉलिटी का एक भाग, जिसको हम राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था का मतलब होता है उस पद के आधार पर, यानी कि संविधान में लिखे हुए पद जो है उसके आधार पर जो है व्यक्ति को चुना जाए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, और बाद में जो है वो संविधान के अनुसार काम करें, और उनको लगे कि कुछ चेंज कर सकते हैं तो क्या करें, फिर चेंजेस भी करें। उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं आपसे कि अगर मान लीजिए कि भारत के संविधान में, हालांकि एक आर्टिफिशियल क्वेश्चन, ये मैं फैब्रिकेट कर रहा हूं थोड़ा सा, भारत के संविधान में 370 को एक अगर क्लाउज बना के जोड़ दिया जाता तो क्या 370 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कोई अलग मानना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो भारत के संविधान ने फिर बाद में क्या किया, बाद में इसको एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया। तो कहने का मतलब, अगर कोई संविधान की दुहाई देगा कि नहीं संविधान संविधान संविधान, तो समय के साथ संविधान में बहुत सारे चेंजेस हैं। तो संविधान के साथ साथ हमें उस पॉलिटी को भी पढ़ना होगा जो कि संवैधानिक उपबंधों को, क्लाउजेस को टाइम टू टाइम रिफाइन करते हैं, और ये रिफाइन करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए, यानी कि केंद्र स्तर पर पार्लियामेंट और राज्य स्तर पर राज्य का लेजिस्लेटिव बॉडी या विधानसभा। हालांकि विधानसभा संविधान में तो परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे उपबंध बना देती है कि जो भारत में बहुत ही चर्चा का विषय हो जाता है। जैसे कि एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है इसमें, जैसे कि रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज़ कंडक्टेड पॉपुलेशन सेंसस या सेंसस ऑन कास्ट बेसिस। तो बताइए इसमें कि देश में जो है, हमारे देश में सेंसस जो है कास्ट बेसिस पर हुआ नहीं, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, कास्ट बेसिस पर सेंसस करा दिया। तो संविधान में लिखा था क्या? नहीं लिखा था। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में जो है हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिसमें हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है। केंद्र में लागू होगा तो जनता पर लागू होगा, लेकिन हाल ही में जस्ट एक महीना भी नहीं हुआ, भारत का उत्तराखंड ने क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो अभी आपने समझा था कि संसद को अधिकार है और राज्य की विधानसभा को भी तो अधिकार है। तो कहने का मतलब है राज्य की विधानसभाएं और संसद
डेमोक्रेटिक पैटर्न पर बनी हुई व्यवस्थाएं हैं जो कि अपने लेवल पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वेरीफाई कर सकती है, उनमें कुछ चेंजेस कर सकती है। उदाहरण के लिए किसी राज्य में अगर मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या जो है बढ़ जाए या घट जाए तो आरक्षण का जो स्लैब होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। तो राज्य सरकार इसको रिकमेंड करेगी कि आरक्षण जो है हमारे देश में राज्यों में जो है इसकी संख्या घट गई है, अब इस कम्युनिटी को हम आरक्षण कर जैसे मान लीजिए कि 5 लोग रह गए हैं किसी भी राज्य में स्पेशल स्टेटस में, तो उन 5 लोगों के लिए अगर 8% का रिजर्वेशन, मैंने जानबूझ के ये वर्ड यूज़ किया, 5 लोग हैं और 8% रिजर्वेशन, तो 8% रिजर्वेशन 5 लोगों को कैसे दे दें? तो जाहिर सी बात है उसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज करने के लिए राज्यों के पास अपने स्टैटिक्स डेटाज होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के साथ हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एग्ज़ाम एक्सेस होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछता क्या है, यानी कि एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ अभी टॉपिक को यही मानना, बाकी सब्जेक्ट को भी भूल जाना। इस एग्ज़ाम का ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, और इस एग्ज़ाम का एक्सेस जो होगा अब हमें देखना है कि कहाँ से शुरू करें। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो अपनी तैयारी को वहाँ से शुरू करना चाहते हैं जहाँ से उनको इंटरेस्ट ज़्यादा है, और मेरा आपको डायरेक्शन ये है कि आप इस टॉपिक को वहाँ से शुरू करिए जहाँ से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ से शुरू करते हैं उसी से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी बन जाता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? भारतीय संविधान के 3 भाग हैं, प्रीएम्बल, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स, जिसमें अगर सिर्फ प्रीएम्बल को ही ध्यान से पढ़ लिया जाए तो कहा जाता है कि संविधान की आत्मा है, और प्रीएम्बल जो है 5-6 लाइन में लिखी हुई पूरी कंसेप्ट। तो कहने का मतलब है संविधान की क्लास में दिमाग ऐसा रखिएगा कि स्टार्टिंग के सेक्शन में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, और अगर आपकी एक बार फिलॉसफी क्लियर हो गई तो फिर आगे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। अब जो है इस टॉपिक को हमें शुरू कैसे करना चाहिए, ये एक दूसरा क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। तो हाउ टू स्टार्ट द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो देश में जो है एक लिखी हुई किताब है, जिस देश में एक लिखी हुई किताब होती है, संविधान की एक किताब होती है, संविधान होता है, उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक उस देश को कहा जाता है जिसके पास 2 बातें होती हैं, एक तो उनके पास लिखा हुआ संविधान हो जिसके आधार पर शासन किया जाए, और दूसरा उसका राष्ट्र अध्यक्ष यानी उसका हेड ऑफ द स्टेट, भारत में कौन है, राष्ट्रपति, वो एक सीमित समय के लिए भी चुना जाए। 2 बातें शामिल होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जब इंटरव्यू एक बार फेस कर रहा था, 3 लड़कों का एक ग्रुप था, है ना, SSB में जो जाएंगे ना आप, 3-3 लड़कों का अलग अलग स्लॉट दिया जाता है, हम बैठे हुए थे और मेरा 3रा नंबर था, और एक क्वेश्चन जो है वो सभी से पूछा जा रहा था, शायद ब्रिगेडियर जो थे अंदर उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, पढ़ लिया होगा कुछ उन्होंने, तो उन्होंने सबसे पूछा कि कैन यू डिफरेंशिएट द व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। और आपको जान के आश्चर्य होगा इसमें कि जितने भी 2 लड़के थे उनके पास डेमोक्रेसी का मतलब जनता की सरकार तो पता है, लेकिन रिपब्लिक का वो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। आपको लगा होगा कि आपको कैसे पता नहीं दे पाए, क्योंकि ये तीसरे, क्योंकि मैं लास्ट स्टूडेंट था, मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। ऐसा करके क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो मैंने इसका आंसर सबसे पहले दिया था कि द कंट्री विच हैज़ इट्स ओन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिपब्लिक। देन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, एनीथिंग एल्स ही वॉज इंसिस्टिंग, एनीथिंग एल्स, और कुछ है क्या? तो क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है, तो फिर लास्ट में मैंने जो है कुछ समय बाद कहा कि सर आई थिंक इट कैन बी एडेड देयर, येस दैट इज़ करेक्ट। और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लगा कि शायद वो इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे कंप्लीट कोई आंसर दे दे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि संविधान में, जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान के साथ लिखा हुआ संविधान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये कहीं सीधे नहीं लिखा जाए, अभी समझना। तो जिस देश का अपना लिखा हुआ संविधान होगा जिसके आधार पर शासन किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रिपब्लिक। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ब्रिटेन जो है जिसने भारत पर इतने लंबे समय तक शासन किया उसके पास कोई लिखा हुआ संविधान है ही नहीं, इसके कारण ब्रिटेन क्या है, नॉन रिपब्लिक, जबकि इंडिया क्या है, रिपब्लिक। तो इंडिया एक रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी दोनों है, जबकि ब्रिटेन जिसने भारत का संविधान बनवाया वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी। तो ब्रिटेन इज डेमोक्रेसी वेयर एज इंडिया इज डेमोक्रेसी एज वेल एज रिपब्लिक। दैट इज द मेन एंड क्रूशियल क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। तो यहाँ से हमें शुरू करना। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो हमें कौन कौन से स्लैब को बांटना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्लैब जो होना चाहिए कि संविधान को ही हम माने कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा टॉपिक संविधान ही है, तो जाहिर सी बात है किसी को हमें मेन मानना होगा।
और इसको मानने के साथ हमें एक बात सोचना होगा कि संविधान भारत में बना है आपका 1950 में, तो संविधान बनने से पहले की घटना और संविधान बनने की बाद की घटना, यानी इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन मेन मॉड्यूल्स आ गए, यानी कि बिफोर, या हम कह सकते हैं इसको बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे बैकग्राउंड कैसे, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री में इस बात को पढ़ रहे थे बार बार कि एक दिन में लिखा हुआ संविधान नहीं है, लगातार भारतीयों की डिमांड के बेसिस पर भारत का संविधान बन रहा था। हमें पता होना चाहिए था कि आज़ादी 1947 में मिली हमें और संविधान बना 1950 में, तो आज़ादी और 50 के बीच में फिर किस आधार पर देश में शासन चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ भारत में पहले से ही कानून बना रहे थे और ये सारे कानून जो है अभी संविधान के साथ जुड़ने वाले, इसी की बात हम करने वाले। अब हमारे संविधान जब बन गया इसमें, तो संविधान बनने के बाद इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस क्या क्या आ गया इसमें, हर एक जगह पर आ गया। जैसे कि अगर बात करें संविधान की आत्मा कौन सी है, प्रियम्बल, अब कहूँगा प्रियम्बल तो इसमें आ गया, अब मैं कहूँगा प्रियम्बल में संशोधन कब हुआ, तो एक क्वेश्चन किससे बनेगा, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के बाद हम हर एक पार्ट में पढ़ते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे भागवत जिसमें कि पार्ट वन जिसमें कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो क्या कहेंगे इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। क्या 28 राज्य उस समय थे, क्या नहीं थे ना, हर बार चेंजेस आ रहे हैं, हर बार चेंजेस आ रहे हैं इसमें। अभी हाल ही के समय में 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर क्या कर दिया हमने, एक बना दिया। क्या इस समय था क्या ऐसा, ये इसका है ना, और क्वेश्चन किससे है, ये इंडियन पॉलिटिक्स का क्वेश्चन। तो जाहिर सा बात है कि पॉलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेस रखना होगा दिमाग में, लिखना नहीं दिमाग में, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, और संविधान से पहले क्या हुआ, संविधान से पहले बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा जिसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, बिफोर है आपका, और उसके बाद जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन कौन से चेंजेस हुए। दिमाग में एक एक्सेस ये बना लेना है और इसी के बेसिस पर जो है आपका क्लासेस स्टार्ट हो। आज आपकी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास को भी मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हम बेसिक कंसेप्ट के साथ अभी के सेक्शन में जो क्लास में एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप, जितनी बातें कर रहा हूँ उतने में से ही, और इससे पहले जो हमने पढ़ा उससे भी आप देखेंगे कि अभी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपके दिमाग को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा और आपको इंसिस्ट करूँगा कि पहले जो पढ़े थे अब आप दबाव डाल के बताइए कि ये आंसर बनेगा कैसा, यानी कि हर एक सेक्शन किसी न किसी जगह से आपका कोरिलेट होगा। तो टॉपिक की हमें शुरुआत करनी है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम इसका एक जर्नल इंट्रोडक्शन लिख लें। लेट्स स्टार्ट टू राइट जर्नल इंट्रोडक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, प्लीज स्टार्ट टू राइट एंड हैव अ गुड स्पीड, स्पीड थोड़ी सी बढ़िया रहे। भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। अब इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता आपको, सिर्फ आंसर को टिक करने के लिए आता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, संविधान किसी भी देश का लिखित कानून के रूप में माना जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द ड्राफ्टेड बॉडी ऑन विच rules are made, constitution is the drafted body on which rules are made, एक ऐसा लिखा हुआ तथ्य है जिसके आधार पर शासन किया जाता है, rules are made। Point number next, भारत का संविधान एक विश्व का लंबा लिखित संविधान है, Indian constitution is the longest written constitution in the world, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लिखित संविधान होने के कारण इसे गणतंत्र ऑब्लिक रिपब्लिक कहा जाता है, एज इट हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट, एज इट हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट India is recognized as a republic
कंट्री, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिपब्लिक कंट्री। क्लियर? यानी लिखा होने के कारण हमने इसको रिपब्लिक का आइडेंटिटी दिया। अब यहाँ पर एक नोट लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन कंपेयर किससे किया जाता है उसके साथ हम लिखेंगे इसको। भारत एक, दो नोट में पॉइंट लिखवा रहा हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नोट नंबर टू, एग्जाम के अनुसार मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और नोट नंबर तीसरा में इस बात को समझ लेते हैं क्योंकि वो रिपब्लिक क्यों नहीं है। नोट नंबर थर्ड लिख लेंगे, ब्रिटेन हैज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के पास कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है जिसके कारण उसको गणतंत्र नहीं कहा गया। और चौथे नोट में हम पूरी तरह से रिपब्लिक को डिफाइन कर लेते हैं। गणतंत्र उस देश को कहते हैं, रिपब्लिक इज द स्टेटस ऑफ कंट्री जिसमें लिखित संविधान होने के साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष सीमित समय का हो। गणतंत्र के अंतर्गत लिखित संविधान होने के साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष सीमित समय का हो। रिपब्लिक इज द स्टेटस ऑफ कंट्री इन विच द कंट्री हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट इज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कि फिक्स पीरियड का टाइम होना भी जरूरी है। दो ऐसी बातें हैं जिसको साथ हमने भी एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, है ना, बहुत सारे इंटरव्यूज तक पहुँच गया हम लोग, इसलिए टॉपिक को पढ़ते समय इंटरव्यूज और रिटन वोटन सब आपका आ जाएगा, बहुत ध्यान से लेकर चलेगा, समझ में बहुत क्लियर होना चाहिए। अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान को समझने के लिए इसे, टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान को समझने के लिए इसे निम्नलिखित समूहों में रखा जा सकता है। टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट कैन बी सेपरेटेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट कैन बी सेपरेटेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स इन इंडिया, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, या इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, संविधान बनने से पूर्व के कानून, पहला रूल आपका। अब इस चीज़ को, ये वाले टॉपिक जो है आपको, इस टॉपिक को दो भाग में हमें सेपरेट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही लेक्चर क्लास में पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हमने जो पॉइंट ए बनाया है उसका हम दो पॉइंट ले लेते हैं इसमें, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को हम की वर्ड मानेंगे यहाँ पर।
रूल्स को मानेंगे कीवर्ड। ध्यान से समझ लीजिएगा, लिख रहा हूँ आराम से, धीरे धीरे चलेगा। रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब से थी? 1600 से लेकर 1857 तक थी, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखेंगे रूल्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन का पार्लियामेंट अपने देश का भी कानून बना रहा है, इसलिए भारत के लिए जो कानून बना रहा है उसका टेन्योर है आपका 1858 से लेकर 1947। ये आपका टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक ये हो जाएगा जिसमें बैकग्राउंड, इसके क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में रहते ही रहते हैं ना, इस पर समय और दिमाग दोनों खर्च करना है आपको। ये वाला समय जो रहता है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी जुड़ते हैं, यानी लगभग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है कि कौन कौन सा रूल्स और उन रूल का मतलब क्या है, इसलिए हमें इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है तो मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने ए रूल को पूरा अभी समझ लिया है इस तरीके से। अब हम बी में आएंगे जिसको कहेंगे फ्रेमिंग, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इससे रिलेटेड हम कुछ बातें करें, क्योंकि इसी ने भारत का संविधान बनाया है, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में बात करना है। अब इसने जो संविधान बनाया इसका नाम था ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने में ड्राफ्ट हुआ? 2 साल 11 महीने और 17 या 18 दिन, कुछ जगहों पर 17 दिन भी लिखा जाता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। सी, बेसिक बेसिक सेक्शंस को पहले समझ लेते। ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड 1950 एंड ऑनवर्ड्स, यानी 1950 और उसके बाद। और हमारे पास पांचवा टॉपिक आ जाएगा जिसका, जिसको हम कहते हैं पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन हेड्स, जिसको हम राज व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो पूरे संविधान को अगर हम 5 हेडिंग्स में ले लें तो ये पूरा संविधान हमें दिमाग में आ जाएगा। आपको फर्स्ट लेक्चर क्लास में एक बात की श्योरिटी में दे रहा हूँ, आपके पूरे जीएस के टॉपिक में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा फायदे का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। सिलेबस जो है दूसरे सब्जेक्ट्स की तुलना में छोटा होता है, और अगर एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आता है तो 8 क्वेश्चन क्लास से ही होगा, इतना बड़ा रेंज है इसका, ध्यान रखना है इसको, सबसे प्रॉफिटेबल टॉपिक। अगर ये टॉपिक के बाद अगर एग्ज़ाम में चले जाए तो आप देखिएगा सारे क्वेश्चन पॉलिटी के आपको बहुत ही फैमिली रह जाएंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत अच्छा स्कोरिंग कर लेना। 2 क्वेश्चन का रेंज सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या लंबा रहता है, लेंथियर टाइप होता है, जिसमें स्टूडेंट क्वेश्चंस को पढ़कर समझ नहीं आता, इसलिए 2 क्वेश्चन तो यूपीएससी का रिस्पेक्ट है, उसको करना ही चाहिए। तो हम लोग जो है पूरे सिलेबस को हमने इस तरीके से बांट दिया।
ए बी सी डी और ई में बांट दिया। आई होप आपने लिख दिया होगा। चलिए तो अपनी आपने जो लिख दिया है इसमें, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी सर, सेक्शन बी इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहा जाता है। मैं आपको एक अच्छी बात बता दूँ, है ना, हालांकि शुद्ध शब्द होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बात ही चली है तो थोड़ा और लेके जाते हैं। सीडीएस एग्जाम में पूछा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शब्द को सबसे पहले किसने कहा? जी बैठे बैठे बताएंगे, कुछ देर आपके साथ समय बताए। जी एम एन रॉय ने सबसे पहले, बहुत बढ़िया। आपको पता है कब कहा था ये? 1934 में सबसे पहले कहा था। अब मेरे को आप बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोल रहे हैं, सबसे पहले किस अंग्रेज़ों के कानून में इसको एक्सेप्ट किया गया था? अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की, अगस्त ऑफर में सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके समय, कौन से गवर्नर जनरल के समय भारत में लागू हुआ? लॉर्ड वेवल। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लागू करने के लिए भारत में कौन आया था? भारत में इसके लिए आए थे कैबिनेट मिशन। ये सारी बातें एक शब्द से निकल गई जिसका नाम था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात, दोनों ही शब्दों का यूज किया था। अभी हम स्टार्ट करें इसको। आई होप इट इज क्लियर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान सभा, संविधान। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर होता तो क्या होता? संवैधानिक सभा। क्लियर? आई होप दैट क्लैरिफिकेशन इज वेरी क्लियर। दोनों शब्दों की अपनी परिभाषा है, और हिंदी में संविधान सभा ज़्यादा जाना जाता है, संवैधानिक सभा नहीं जाना जाता। उसी तरह से इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोनों जाना जाता है, लेकिन शब्दों का अर्थ अपने हिसाब से बन जाता है। चलिए अभी हम टॉपिक नंबर वन स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट राइट टॉपिक नंबर वन, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स इन इंडिया। प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स इन इंडिया, ये आपका एक पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। पूरा संविधान हमने समझ लिया, और संविधान समझने के बाद हमारे पास है कि पूरे संविधान को हम कैसे डिस्क्राइब कर लें, एग्जाम के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीच मिलेंगे। लिखना स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझना अनिवार्य है। टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बैकग्राउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, पृष्ठभूमि को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। बैकग्राउंड इज मेनली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स। सबसे पहले क्या है, ए में क्या लिखेंगे? रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान, रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी में शब्द को इस तरह से लिखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास या संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ब्रैकेट में लिखेंगे 1600 से 1857। और पॉइंट नंबर टू लिखेंगे इसमें, ब्रिटिश संसद के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट।
लिख लिया आपने? यस सर। इस टॉपिक को यहाँ तक रखने के बाद